हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई में सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी निर्दलीय सांसद पत्नी नवनीत कौर राणा दोनों ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था। इसके बाद शिव सैनिक भड़क गए। शिव सैनिकों ने मुंबई में जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए। मुंबई पुलिस ने हंगामे की आशंका देखते हुए रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस थमाया। उन्होंने फिर भी हनुमान चालीसा के पाठ की बात कही थी। बहरहाल कल उन्हें पुलिस ने नोटिस थमाया, लेकिन अब नवनीत राणा को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। नवनीत राणा महाराष्ट्र की अमरावती से लोकसभा सदस्य हैं। वो निर्दलीय चुनाव जीतकर आई थी। हालांकि उन्हें कांग्रेस और एनसीपी ने सपोर्ट किया था और उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना के प्रत्याशी को हराया था। वो इससे पहले फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। रवि राणा पहले से ही पॉलिटिक्स में रहे हैं। वो भी अमरावती से ही निर्दलीय विधायक हैं। अमरावती की वडनेरा सीट से वो निर्दलीय विधायक हैं। दोनों पति पत्नी एक बार फिर चर्चा में हैं और इसके मूल में है हनुमान चालीसा का पाठ, जो वो मातोश्री पर करना चाहते हैं। हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई में सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। नवनीत राणा और रवि राणा ने जब हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री में करने का ऐलान किया तो शिव सैनिक भड़क गए। शहर में पोस्टर बैनर लगाकर रवि राणा और नवनीत राणा को देख लेने की धमकी तक दी गई। हालांकि विरोध प्रदर्शन और धमकी के बीच रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा मुंबई पहुंच गए। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर सैकड़ों की संख्या में शिवसैनिक भी इकट्ठा हो गए। मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर पर महाराष्ट्र में टकराव के हालात बने हुए हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बाद अब निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी नवनीत राणा के अल्टीमेटम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विधायक रवि राणा ने सीधे शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी कि उद्धव के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा के पाठ के लिए कल की तारीख तय हुई। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए रवि राणा और नवनीत राणा मुंबई पहुंच गए। शिव सैनिक और मुंबई पुलिस उनका इंतजार कर रहे थे। रवि राणा और नवनीत राणा को मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जरूरत क्या है, ये सवाल उनसे पूछा गया। इसका जवाब भी रवि राणा ने दिया। रवि राणा ने कहा कि वो बाला साहब ठाकरे को बहुत मानते हैं, मातोश्री उनके दिल में बसता है, लेकिन उद्धव ठाकरे हिंदुत्व भूल गए हैं, इसलिए वो उद्धव को हिंदुत्व की याद दिलाना चाहते हैं। जानकार मानते हैं कि शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति करती रही है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के अपने एजेंडे को नरम किया है। विरोधी इसी बात को लेकर शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी हो या फिर रवि राणा, उद्धव पर हिंदुत्व को भुलाने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन रवि राणा की सांसद पत्नी नवनीत राणा ने उद्धव पर डायरेक्ट अटैक किया। नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव बिना काम किए सैलरी उठा रहे हैं, उनकी वजह से महाराष्ट्र पर शनि की 7.5 लग गई है। रवि राणा और नवनीत राणा के हमलों का जवाब शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने दिया। संजय राउत ने रवि राणा और नवनीत राणा को बंटी और बबली तक कह दिया। यहां तक कि उन्होंने नवनीत राणा को सीग्रेट एक्टर तक कहा, जिसका काफी विरोध भी हो रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।